Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our round cup. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। व्हाट्स गोइंग ऑन? सर्दियां आ गई हैं, यहाँ कुछ आई थोड़ी खुनकी हवा में आई पाकिस्तान में, कराची में। पाकिस्तान में तो आई होगी। हल्की का भी हल्का मतलब बस आरजू ही रहेगी, बट ये हो गया है कि लाइक एसी बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है. ऑफिस में है बट वैसे नहीं है, घर पे नहीं है, और मैं तो पंखा भी कभी कभी नहीं चलाती हूँ, यू नो. सो बस ये हुआ है. तो ये भी एक गनीमत है, राइट? दैट्स व्हाट यू से। हाँ, यू कैन से, बट वो नहीं है ना कि आप कहेंगे ओ कंबल चाहिए या जैकेट पहननी है या शॉल चाहिए, वो चीजें नहीं हो रही हैं. मैं आपकी मूंगफली भी निकलेगी जब आपका कंबल आएगा। यू लव हैविंग मूंगफली इन विंटर, राइट? मूंगफली हमने खाना शुरू कर दी है, मूंगफली आ गई अच्छा, है, ठेले वाले आ गए हैं, तो वो हमने शुरू कर दी है. बट कंबल अंबल नहीं है, शॉल वॉल नहीं है, बट हम खा रहे हैं मूंगफली. चलो इंजॉय। ओ दैट रिमाइंड्स मी, यू कैन सेंड मी सम गजक। या, यू कैन सेंड मी सम गजक एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। वो या गुड़ वाली चाहिए आपको या चीनी वाली चाहिए? गुड, ओके, एंड इफ यू चीनी. कांट गेट इट, डोंट स्ट्रेस, नो प्रेशर आबिया, मैं ठेले वाले से नो पूछ प्रेशर। लूंगी, नहीं मैं या पूछ लूंगी भी नहीं, आपको पता है. मैं ठेले वाले से चेक करूंगी कि मिल गई तो व्हाई नॉट, हम चेक कर लेंगे, इसमें कोई मसला थोड़ी है. हाँ थैंक यू वेरी मच। ओके, शैल वी गो ऑन नाउ? यस, वी हैव सीन ड्रामास. वी हैव सीन। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, आप बड़ी बिजी थी वीकेंड पे, आप थोड़ा सा अपना बताएंगी? आप नहीं बता सकती अभी कुछ? नहीं, हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स अटेंड कर रहे थे, ये तो सभी को पता है. एंड या सो उसके साथ हमारे एक दो इंटरव्यूज थे जो हमने स्केड्यूल किए हुए थे, वो थे जरार की प्रमोशन के. एंड दैट्स ऑल, बस एल एस अटेंड किया, वो जो इंटरव्यू थे वो किए और वापस आ गए कराची. बट अ वेरी हेक्टिक ओके, वेयर टायरिंग ट्रिप. वाजंट टॉकिंग अबाउट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स, लेकिन आई थिंक आप वो ही बता सकती हैं हमें, और कुछ बता नहीं सकती। कल और क्या करना है, और क्या क्या कहाँ थी भाई? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स नहीं बता सकते. आई मीन व्हाई व्हाई वुड यू इवन हाँ आस्क मी, आई एम सॉरी, या व्हाई वुड यू इवन आस्क मी शाजिया. वो तो एक Because I go through the FOMO, the fear of missing out, which happens to me every day. So इसलिए मैंने कहा कि शायद मैं यहाँ पूछ लूँ तो नहीं, वो मुझे आप और कुछ मुझसे पता चल अलहदा फोन जाए। करके पूछे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी, बट हाँ कुछ चीजें हम ऐसे नहीं पब्लिकली डिस्कस कर सकते ना. रावी, आप बस कहाँ टाइम है चाजिया से बात करने का आजकल? हाँ कहाँ बस टाइम है बताएं? आप, बिल्कुल. उसके बावजूद मैंने आपको एलएसए की पूरी रिपोर्ट या दी थी. हाँ ये तो है, दी थी मैंने, कभी मैं यूटिलाइज कर लूँ ये टाइम, एक्सप्लॉइट कर लूँ सिचुएशन, शायद राबिया कुछ उगल दे। लेकिन ठीक नहीं है, हाँ जब टाइम होगा तो हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओके जी. या तो ड्रामिंग सो वी हैव पिंजरा, वी हैव दरार, वी हैव मेरी शहजादी, वी हैव ब्रॉड बख्तावर, वबाल, ब्रॉड हाँ एंड फ्रॉड। हाँ मैंने अकेला, हाँ फ्रॉड, मैंने अकेला ड्रामा कब किया था? आपको बहुत याद किया, लोगों ने आपको बहुत याद किया, लोगों ने कहा ये आप भी अच्छा है, लेकिन आपकी जो गपशप होती है। तो शुक्रिया बहुत बहुत सब लोगों का, लेकिन आप तो एक्सपर्ट होती जा रही हैं, भी प्रो होती जा रही हैं बातों. मैंने अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया था, प्रो का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जरा क्या, मैंने कुछ शुरू में बोला था राबिया नहीं है तो मैं, मेरा मैदान खुल के मैं बात कर सकती हूँ, आप तो कोशिश करी, लेकिन राबिया के होते हुए भी खुल के तो बात कर सकती ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है. हाँ राबिया जवाब में जवाब दे सॉरी सकती है, राबिया। अदरवाइज तो हाँ आप भी खुल के जवाब खेल सकती हैं, मैदान खुला होता है आपके लिए. अरे राबिया छोड़ो। आज शादी जो शिकायत के मूड में, राबिया बिल्कुल डेड है, क्योंकि मैं पैनाडोल पे सरवाइव कर रही हूँ, मेरी आंखों से मुझे कहीं से भी पता चल रहा होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम. मैं तो आज भी सोची थी शादिया को, बोलूँ शादिया तुम ना ड्रामा का अकेले कर लो, मैं बहुत थकी हूँ, मैं सो I जाऊँ. was waiting, I could read your mind. I was waiting for that and I said, no, this is not going to happen. या बट देन आई आल्सो हैड वॉच्ड द ड्रामा, सो मैंने कहा मेरे ड्रामे देख लिए, हाँ, आई एज वेल डू इट, यू नो. अगर देखे नहीं तो होते तो हाँ I would have told you. लेकिन बट I know that you are having a very, very crazy busy weekend, but you're having a lot of fun also, okay? और आज जहाँ जा रही हो वो तो बहुत ज्यादा फन वाली जगह है। पता नहीं शाजिया, अब इस पे भी ना एक पॉडकास्ट होनी चाहिए. दैट आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल यू रीडिफाइन व्हाट फन इज, व्हाट सक्सेस इज, व्हाट यू वांट इन लाइफ, एंड यू नो इट जस्ट आई लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. एंड फॉर मी अब क्वेश्चन ही होना शुरू हो गया है कि सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड पुटिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, इज दैट व्हाट आई रियली वांट टू डू, एंड इज दैट व्हाई आई एम हियर. सो मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैविंग फन थोड़ी चेंज हो रही है, मैं खुद को भी क्वेश्चन कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं नाशुक्री नहीं होना चाहती, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. सो इट्स मे बी आई एम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, आई डोंट नो. सो यस, पीपल थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन, बट इट्स
इट्स सो मच वर्क, इट्स सो मच वर्क, एंड यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स ऑन सो मेनी लेवल्स, ऑन योर पर्सनल, ऑन योर प्रोफेशनल लेवल, ऑन योर समटाइम्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. सो आई एम क्वेश्चनिंग दैट वेयर डू आई वॉन्ट टू गो इफ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग दिस इन द सेम वे. आई ऑल्सो हैव फन, आई विल नॉट से आई डोंट हैव फन, मुझे लग स्टाइल अवार्ड से बहुत मजा आया, बट देयर वाज सो मच अदर थिंग्स हैपनिंग व्हिच वाज लाइक Did I really want to be part of this? तो अब आपके सिंपल से सवाल का मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड और वो जवाब दे दिया, बिकॉज मैं इस वक्त उस मोड में चल रही हूँ, यू नो, क्योंकि चीजें होती हैं, एंड देन एंड यू नो, एंड आई थिंक एवरीबडी हु अराउंड अस नोज फ्यूशिया एंड मी एंड यू दैट वी डू गेट बॉदर्ड अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग. हम तो किसी सेंसेशनल चीज पे बात भी नहीं करते, हम कॉन्ट्रोवर्सी पे भी नहीं बात करते, चाहे हमसे व्यूज मिले नहीं मिले. तो फिर यू नो व्हेन थिंग यू सी थिंग्स हैपनिंग अराउंड इट बॉदर्स यू व्हेन यू बस इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. या सो इट्स अ प्रोसेस दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई एम हैविंग फन ऑल्सो, अल्लाह का शुक्र है, आई विल नॉट बी ना शुक्री, बट इट इज ऑल्सो अ मोमेंट व्हेन आई एम री एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अबाउट माई ओन थिंग्स. So that's good because that's part of our journey and your journey. And अगर हमने Maslow's hierarchy पढ़ा था when we were doing our masters MBA, तो उसमें यही है कि एक चीज हो गई है तो अब आगे, and it is your journey because now you have to grow, you have to see कि आप क्या करें and reassess what we are doing. I did think we would talk about Lux Style Awards के जो winners हैं, but not today. अगर time मिला कल देखा जाएगा, because I also wanted to take a look at it properly and today is a very busy day, so we'll see. Ji, so ab aapko agar apne sawal ka jawab hai to hum aage move on karte hain. On that note, we shall begin. There was another upset yesterday when Morocco won. Yeah. Yes. So there are lots of upsets. So Rabia, ye theory maine pehle drama cup mein bhi kahi thi, and it's not my theory. It's a dear friend who follows football very well. Ki pehli dafa Middle East mein soccer World Cup hua hai, football World Cup hua hai. It was always in the European country. So now people in those areas are playing in front of a home crowd. Yeah. And when you play, the impact of a crowd is a lot. A lot of people disagree with that. They say ki nahi, wo jo teams thi, wo already zara weak thi, jo hari hai, they were not that strong. But it's a theory that we can see as the World Cup progresses, that true. Is it true or not true. Yeah, aur bahut maza aa raha hota hai because there are like three matches in a day, so it's ek khatam hota hai and then you're like oh khatam ho gaya, and then you know acha abhi thodi der mein ek aur shuru hone wala hai, so and you know it's a very fast game. Yes, main bhi ye kehne wali thi, it doesn't require you to sit for the whole day, jaise hamara cricket hota hai ki to ab aadha din to gaya, 6 ghante to gaye, you know, but isme nahi, 1.5 hour, right? Yeah, kya it's a bit more than that, lekin wo kabhi extra time bhi aa jata hai unka, lekin it's still it's compact, itna lamba nahi, and it's fast. Yes. Oh, it's fast, and there's lots happening on the field, kafi aggressive hai is dafa ki sari teams, so wo yellow cards or red cards sab nikal rahe hote hain, so yeah, so that's fun, so okay, dramas, yeah, we can start with babal. Acha, we are starting with babal, okay ji. So, सवाल मेरा एक सवाल होता है, सवाल ये है कि माहम को जो उन्होंने जॉब से निकाला है वो सही निकाला है जॉब से, as far as I am concerned, बिल्कुल ठीक निकाला है, what do you think? मैं 60-40 हूँ, in the sense that I feel माहम should have informed them, but मुझे लगता है कि शायद उनको भी थोड़ी सी चीज को समझना चाहिए था, because it was a serious case, it was not something कि उसने मेडअप किया है या वो सच नहीं था, but yes, but again, it's something very interesting. The young generation of today does not realize कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है. हमारे पास इतने interns आते, इतने लोग आते हैं, and they just, I don't see responsibility in them. I don't see something that should come as a basic understanding of how you work in an organization. So maybe it's a reflection of that in some way. But yes, Maham, and how can you not tell your? It's so silly. I'm sorry. It just does not make sense, क्योंकि आप तो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये तो बेसिक चीज है ना, या आप फिर माहम की कोई चीज ऐसे दिखाते, तो ये इस एक्सक्यूज को रीजन बनाना या इस चीज को एक्सक्यूज बनाना कि माहम को जॉब से निकाल दिया जाएगा, वो कम्प्लीटली अ वेरी वीक ट्विस्ट एंड डिसअपॉइंटिंग आई फील. Acha, I found her very, very irresponsible, क्योंकि since her father had been to the hospital, तब से उसने नहीं फोन किया था, और आपके हेड भी इंजरी हो गई है, आप एक ईमेल भेज सकती हैं कि ये प्रॉब्लम है मैं नहीं आ सकती हूँ, बट नथिंग या टेल समवन एल्स टू कॉल द ऑफिस, बट द प्रॉब्लम इज दैट एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, लाइक स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा है, जब पढ़ा है, जब डायरेक्ट किया है,
माहम नहीं है ऐसी, दिस इज नॉट समबडी. माहम इज द मोस्ट एग्जैक्टली पॉसिबल पर्सन इन द यस होल ऑफ द ड्रामा. इनफैक्ट आई थिंक इन द होल ऑफ द टेलीविजन जो सारा पूरे वीक में आता है. तो हाउ कैन ही हाँ शी रियलाइज दिस, यू नो? सो या इट्स अ वेरी बिग गूफ अप मेरे हिसाब से इन द स्क्रिप्ट. इट्स अ वेरी बिग गूफ अप, यू टोटली राइट, बिकॉज द कैरेक्टर इज नॉट लाइक दैट. सवाल मेरा आ गया मुझे अब, वो ये है कि जब वो जो उनकी वो जो हेल्पर होती है शगुफ्ता की, वो जाके पैसे चुराती है, अम्मा के पास जाती है, और अम्मा कहती है कि नहीं तुम नहीं चोरी कर सकती, और वो कहती है कि नहीं लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसको कौन कवर अप करेगा. वो कहती है तुम वापस जाके रख दो. तो आई रियली लाइक द वे दे शोड कि क्या एक झूठ को छुपाने के लिए या सही करने के लिए आप दूसरा झूठ या दूसरा गलत कर सकते हैं कि नहीं. आई ऑल्सो वॉज एंग्री एट दी अम्मा कि भाई उसको वापस तुम भेज रही हो वो शेर के पिंजरे में, कि अब वो जाके वापस रखेगी वहां तो फंसेगी, और शायद फंसे उसके बाद. सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? आई एग्री विद यू. आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने यही एडवोकेट किया है कि एक बुराई को खत्म करने के लिए भी आप भी बुराई का सहारा मत लें, एंड अल्लाह पे यकीन वापस लेकर आए और उससे मदद मांगे. बट आई थिंक इट वॉज ओके बिकॉज उसको वो घर पे नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी ना शगुफ्ता, तो अपने बेटे को लेकर. दैट्स व्हेन शी ठीक डज शी स्टिल हैड टाइम. उस वो जो लड़की है, यंग लड़की, उसके पास टाइम था कि वो है. जाके चीजें वापस रख देती, तो मुझे कोई उसमें इतना बड़ा नहीं लगा. बट देन द मदर और समबडी अराउंड, इन सबको पता है कि इसको जबरदस्ती रखा हुआ है घर में, समवन शुड अलर्ट द पुलिस और डू समथिंग. जब आप भी नहीं है, आप है ना, अल्लाह मियाँ के हवाले क्यों किया हुआ है, अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है वहां, सो शी शुड हैव गॉन एंड कम्प्लेन. सो द थिंग इज दैट वो जो शगुफ्ता है वो अपने काम बड़े पक्के करती है. जब वो घर के साइन भी कराती है तो वो लोगों से ट्रांसफर करा लेती है ओनरशिप. सो कोई पुलिस में लेके भी जाएगा तो कुछ कुछ नहीं हो सकेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके पास ओनरशिप के होते हैं. यहाँ पे भी जब वो औरत आती है अपने घर के कागजात मांगने, तो दादी उसके चाकू यहाँ रख के करती है कि वो करो जबरदस्ती, और वो भी पता नहीं कि वो करा सकेंगी या नहीं करा सकेंगी. एंड हो सकता है कि घर के डॉक्यूमेंट में तो ये हो ना कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो उसी का घर है, उन्हीं के पास है. नाम ना भी लिखा हो. अब लड़की के किस्से में भी उन्होंने कहीं ना कहीं साइन कुछ ना कुछ कराया हुआ होगा, या माँ बाप मजबूर होंगे क्योंकि कोई पुलिस में लेके भी जाएगा तो वो कुछ कर नहीं सकेंगे. दैट्स व्हाट दे शोन कि उनका वो शगुफ्ता और उनका जो कारिंदा है वो दोनों बड़े सॉलिड काम करते हैं. वो जो घर सॉलिड का काम वो करते किया हैं. है, जिसको बोला है कि जो बहुत अमीर बंदा है जिसका बहुत बड़ा घर है उसने भी दो किस्तें दे भी दी है, उसको भी उन्होंने बड़े सॉलिड तरीके से फंसाया हुआ कि ये फंसे गए हाँ, हैं. फंसे में, दैट इज ट्रू. अच्छा जी, लेट्स कम टू फराज एंड अनम. आपको अभी भी फराज पे गुस्सा आ रहा है, या आप थोड़ी सी काम लग, या अब आपको तरस आ रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बिकॉज ये क्या बात है कि तुम बीमार हो, तुमने उसको जाने दिया, भाई उसको बोलो फिर, या तो माँ को बुला लो एंड मतलब उसको थोड़ा सा वो करो एहसास भी. ओके आई फील समटाइम्स आई अंडरस्टैंड आप कहते हैं कि यार ये तो चीज नेचुरली होनी चाहिए थी इस औरत को या इसको खुद एहसास हो, बट कभी कभी कुछ लोगों को आपको सिखाना पड़ता है. मे बी अनम इज नॉट समबडी हु विल लर्न, बट अनम को थोड़ा सा कॉर्नर करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें ये करना है. जैसे अब उसकी सास आई है, उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने कहा कि तुम सुधरोगी नहीं तो मुझे तुम जैसियों के साथ डील करना बड़ा अच्छा आता है. लाइक ये मजा आया ना. ओके, सो हियर्स द थिंग. सास जो है वो कह सकती है, सास की वो रिलेशनशिप नहीं है अनम के साथ. फराज की रिलेशनशिप इज वन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वांटिंग लव. अगर वो यही बात है ना कि कहेगा मुझे ये भी तुम्हें सिखाना पड़ रहा है कि मैं इतना बीमार हूं और तुम उठ के जा रही हो, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग टुगेदर अगर हर चीज लिखाई पढ़ाई से ही करानी है एंड तुम्हें. देन फराज उसने थोड़ा सा कहा, ही डिड से कि तुम क्यों जा रही हो, लेकिन उसका जो जवाब था वो थोड़ा इट वॉज डिसकनेक्टेड. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम दोस्तों से दूर दोस्ती मत रखो ज्यादा, ठीक है आई न्यू वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि पहले उसके साथ जो हादसा हुआ था, लेकिन दैट वॉज नॉट, उसने ये नहीं कहा एक भी दफा कि मैं बीमार हूं तुम क्यों जा रही हो. लेकिन मे बी उसकी अना आ गई थी बीच में, वो नहीं कह सका उससे. सो इट इट वॉज बट येस आई डिड फील बैड, आई एम ग्लैड द अम्मा केम. लेकिन डिड यू फील दैट अनम वॉज थोड़ा सा, मतलब ओके नॉट फील, रादर आई वुड लाइक टू से कि सारा खान की एक्टिंग मुझे बहुत मजे की लगी थी उस वक्त, बिकॉज उनके अंदर जो जज्बा था ना अनम में, कि बस जाना है जाना है, कुछ ना कुछ करके दवाई पिला दी सब, एंड वी ऑल सीन देयर, बिन देयर और सीन पीपल डू दैट. सो आई लाइक दैट सीन इन दैट मोमेंट, कि उसने सब कर करा के वो रखी हुई दवाई तुम्हारे बराबर में, देखा तुम दवाई नहीं पी रहे थे तो इसलिए तुम्हारे साथ ही हुआ. तो आई लाइक दैट बट अनम का एग्जीक्यूशन. केस डिफरेंट है. अनम का ये वन ऑफ केस नहीं है. अनम तो कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट करती रही है. अनम यस कंसिस्टेंटली चीजें करती रही है. अनम ने बीच में नहीं कॉल करके चेक किया, वो देर से आई, स्टफ लाइक दैट. यस तो मुझे कोई क्यूट नहीं लगा. आई वाज या वेरी इरिटेटेड. एंड मुझे तो अम्मा बाबा भी गुस्सा है जब वो लोग उनकी तीमारदारी के लिए घर जाते हैं तो और बताते हैं कि हमने गाड़ी के लिए लीज अप्लाई कर दी है,
हाँ तो बाप कहता है ये तो बेवकूफ है, तुम्हें तो समझ है। तो बेचारा फराज ऐसे देखता है, तो आई फेल लाइक टेलिंग हिम कि आपसे कंट्रोल नहीं हुई तो उससे कहाँ से कंट्रोल हुई, ये तो आपका मसला था उसके सर पे, आपने डाल दिया फराज के, एंड नाउ यू सेइंग कि उसको कंट्रोल करो, दैट्स नॉट रियली फेयर टू फराज, उसको वो तो निभाना शुरू चाहिए। से कह रहे हैं, वो तो शुरू से कह रहे हैं, वो तो उसको डिवोर्स देना चाह रहा था, एटलीस्ट अलैहदगी का तो करना चाह रहा था, दे सेड कि हमसे नहीं मैनेज होती, तुम ही मैनेज करो. सो दैट इज सैड. बस अच्छा जी, गोल 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 घूम गए, लेकिन अब पता चल गया है उनको. नाउ इरहान नोज. नाउ डू यू थिंक, अच्छा एक पॉइंट आया था कि जब वो उसको डांट रही होती है ना सज्जल को, और कह रही होती है कि ठीक है मेरी मोहब्बत तो कमजोर थी, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, तुमने किया, आई अंडरस्टूड हर, बिकॉज टिल नाउ आई हैड बिन सेइंग कि नहीं उसका कमिटमेंट ज्यादा होता है शौहर का. लेकिन उसने तो द वे शी एक्सप्लेन्ड इट, शी सेड मैंने वहां तो गलती मेरी रिलेशनशिप में है, लेकिन तुम क्या होती हो. उसके बाद जब उसे शहीन ने कहा ना कि तुम्हें तो मैंने सड़क की मिट्टी से उठाया था, ऑल दोज डायलॉग्स, डू यू थिंक शी शुड हैव जस्ट वॉक्ड आउट देन? ओके, आई बीन रियली इरिटेटेड एट इरहा, क्योंकि वो बाद में भी शहीर को रोते हुए कमरे में बोलती है कि सिर्फ मैं आपकी मोहब्बत और बच्ची की वजह से ठहरी हूँ। इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि हम देख रहे हैं बैठे हैं, हमारे लिए कहना बड़ा आसान है, बट ये जलन में भी यही हुआ था और एक दो और ड्रामों में भी, जब ये चीज होती है किसी औरत पे, वो खड़ी होती है लेकिन उसको टाइम लगता है। सो इरा भी खड़ी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, बट पहला आपका रिएक्शन ये होता है शॉक में कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें, आप घर बचा लें। ये एक नेचुरल आई थिंक रिएक्शन है जो हर साउथ एशियन या स्पेशली पाकिस्तानी औरत का तो जरूर होता है। सो यही इरा का दिखाया है, हम उस पर इरिटेट हो रहे हैं कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो रही है, शहीद सास वो कर रहा है, तुम फिर भी क्यों रुकी हुई हो, वो करेगी, इट विल टेक सम टाइम। आई टोटली अग्री विथ यू, बिकॉज इरा इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस. सो यू सी हाउ शी स्टैंडिंग अप, फिर वो वी कमजोर हो जाती है, फिर वो खड़ी होगी, फिर वो कमजोर हो जाएगी, बिकॉज एंड वी हैव ऑडियंसेस हैव कंप्लेन इन अदर ड्रामाज व्हेन द वेमेन हैव नॉट गॉटन अप एंड लेफ्ट. It takes time for them to gather that courage, and it should take time also, I think, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा step होता है एक बच्चे के साथ उठ के घर से बाहर चले जाएं. So it's not, you're not just thinking about yourself. I think अकेली होती तो शायद कर भी लेती, लेकिन अब she has a child also. मेरा क्वेश्चन So यही रहेगा कि चलो इरा पिक्चर से निकल जाएगी, सजल आ जाएगी, तो क्या शहीद सीधा हो जाएगा, क्या शहीद दूसरी औरतों के पास जाना बंद कर देगा? नहीं, शहीद तो सीधा नहीं होगा, क्योंकि शहीद तो उसको भी मैनिपुलेट कर रहा था ना, वो कह रहा था कि अच्छा तुम नहीं जा रही डिनर पे, तो फिर मैं यहाँ से कहता हूँ तैयार हो जाए. सो ही इज, लेकिन व्हाट आई रिमेम्बर जो हुआ था कि आई थिंक इरहा के नाम पे 50% ऑफ एवरीथिंग है राबिया, सो दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे हैड शोन दैट इन द बिगिनिंग. तो इरहा कम्प्लीटली पिक्चर से कभी नहीं निकलेगी, और उनको नहीं, भी नहीं बेटी. या तो होगा, अच्छा, होगा प्रोमो में या ओएसटी में मैंने देखा था, क्योंकि सब कहते हैं कि आपने क्यों नहीं देखा, तो इससे मैं बता रही हूँ कि आई थिंक शी विल गिव द चाइल्ड टू हिम एंड से मैं जा रही हूँ, आई हैव अ फीलिंग शी माइट डू दैट. आई डोंट नो, आई डिडंट सी इट एंड आई वुड लाइक टू सी आगे क्या होता है, बट शहीर को देखो कि इट्स सो ऑफ द लाइक, वो पूछती है किस हैसियत से रहेगी, तो वो ये भी नहीं कहता कि मैं शादी कर लूंगा, बस कहता है बस ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, दिमाग पे जोर डालो, जैसी चीजें चल रही है रहने दें। चल ये रही है सजल के रहने. लिए, ये सजल के लिए फ्लैग होना चाहिए और वार्निंग साइन, कि उसने सजल कहती है कौन सा पहली दफा किसी ने दूसरी शादी कर ली है या फेयर चलाया है तो ये कोई बात तो नहीं है, तो वो कहती है कि पहली दफा हो या वो गुना गुना रहता है। सो ये बिल्कुल. कॉन्वर्सेशन थी, बट इट्स टेस्टिंग माई पेशेंस रियली, आई कैन नॉट, इट इट्स पेन टू वॉच ऑल दिस क्राइंग, दिस यू नो इतनी गिरे हुए लेवल पे आके वो जो दो कैरेक्टर्स बात करते हैं, इट्स रियली डिस्टेस्टफुल, इज एंड रियली डिस्टेस्टफुल. इट यू इज. नो आई डू नॉट वॉन्ट एनी वुमेन टू बी एक्टिंग एंड टॉकिंग लाइक दैट। मुझे, मैं चाहती हूँ कि और अपना वो रहे, तो प्लीज जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब ड्रामा करते हैं, आई एम श्योर यू कैन मैनेज इट समहाउ, यू डोंट हैव टू प्रेजेंट बोथ ऑफ देम इन सच अ वे कि आप, आपके यार इस तरफ भी औरत की इज्जत नहीं रह रही, इस तरफ भी औरत की इज्जत नहीं रह रही, कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं औरतें, दैट्स व्हाट बिल्कुल. या लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट. या वी मूव ऑन मेरी टू शहजादी. शहजादी। ओके जी. तो कैम ने कच्ची गोलियां नहीं खेल, कच्ची गोलियां नहीं खेली खाई खेली भी, खेली तो मेरी तो उर्दू बिल्कुल जो है ना ऑफ हुई भी आजकल. या तो वो कह रही है कि 5 मिलियन दो हाथ में, तो उसके बाद बात करूंगी. आई लाइक हर, आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हर. हाँ हाँ होगा, अभी इतनी आसानी से तो नहीं खत्म होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे क्या नाम है इनका, शहरोज, शहरोज
को दिखा रहे हैं, ही इज एक्चुअली क्वाइट एन इडियट इज ही नॉट, एंड दे आर शोइंग दैट नाउ. जिस तरह वो टांगे डाल के पूल में बैठे हुए थे एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग व्हेन ही सेड, एंड कुछ लग रहा था कि अलमास उनका साथ देंगी, लेकिन शहाना इज द स्मार्ट वन. तो आई थिंक ही इज कमिंग टू हिज सेंसेस. अगर आप हम रॉयल फैमिली से देखें तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे कीप सेइंग दैट दे आर इट इज मिमिकिंग मैं इसको रॉयल फैमिली से कंपेयर ही नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ना मेरे पास इतना दमाग है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ. आई रियली डोंट केयर उधर क्या, मैं तो स्टोरी पे फोकस कर रही होती हूँ. मुझे ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी करती है. पूरा ड्रामा रोते धोते इधर उधर करते हुए निकलेगा, एंड में हाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यू लाइक ओ अच्छा ये तो चीज हो गई. सो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि पूरी बात पूरा रुला धुरा के वो एक दो ट्विस्ट एंड में करते. जैसे इसमें पहले पार्टी ने माँ को ऑफर की, फिर उसके बाद जब दानिया गई तो दानिया को ऑफर कर दी सीट. एंड आई वाज लाइक ये अच्छा ट्विस्ट है, बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली समथिंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. सो आई वाज टेकन अबैक एंड आई वाज सरप्राइज्ड. I was expecting it. For once, I can say, Radhia, no, I was expecting it, क्योंकि जिस तरह शहाना ने कहा कि नहीं इसको कराओ अपॉइंटमेंट, ये जाएगी, और मुझे पता था ये बात करेगी इस तरह. एंड राबिया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू गाइज हैड पुट अप एन इंस्टाग्राम पोस्ट, आई डोंट नो इफ इट्स गॉन येट और नॉट, सो मे बी आई एम रिवीलिंग टू मच. यू हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि अगर आपको जिंदगी में मोहब्बत नहीं मिले तो आप क्या करियर से अपनी जिंदगी फुलफिल कर सकते हैं, वो जो आपकी वहां की महरूमी है. एंड मैंने जवाब भी दिया था उसी पोस्ट के वो ऊपर इस चीज नीचे से इन द रिलेटेड नहीं चैट. तो था, वो इस चीज से रिलेटेड नहीं था, वो तो नो नो नो, नहीं. आई नो इट्स नॉट रिलेटेड, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई क्योंकि उसको मोहब्बत तो नहीं मिलने वाली शहरों से. सो वंस शी इम्बार्क्स ऑन दिस पोलिटिकल कैंपेन करियर वट एवर, शी माइट मेक दैट हर मिशन. एंड आई मीन आई वुड लाइक टू सी दानियाज जर्नी समवेयर, बिकॉज आई सी पोटेंशियल देयर. एंड हमने पहले भी देखा था कि वो हेल्प करना चाह रही थी, एंड शी माइट बी द चेंज एजेंट इन पॉलिटिक्स इफ शी कैन. एंड मैं यहाँ उसकी जर्नी देखना चाहूंगी. व्हाट डू यू मुझे थिंक? लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. वो उसकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो शहरोज की मोहब्बत है. वो शहरोज की मोहब्बत के लिए सब कर रही है, वो अपने आप को. बिकॉज अगर आपको नेचुरली मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर अपनी वफादारी से और आप किसी का ख्याल रख के उसकी मोहब्बत लेने की कोशिश करते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग. एंड वो इसीलिए उसका साथ दे रही है क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है कि कैम नहीं मैं तुम्हारे साथ होंगी, यू नो. सो आगे जाके भी फ्यूचर में भी जो जो कुछ भी दानिया करेगी उसका उसकी ड्राइविंग फोर्स शहरोज ही होगा. वो शहरोज की मोहब्बत के पीछे ही करेगी. मुझे लगता है दानिया की जो जो डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टर है इज हर वॉन्ट टू बी लव्ड टू हैव दिस लाइफ, मुझे ये लगता है. एंड आगे कोई एक और आएगा जो मोहब्बत इसको देगा. बट लेट्स सी, ड्रामा हमें सरप्राइज करता रहता है आगे जाके क्या होगा. बट अच्छा ट्विस्ट है. और बेचारे शहरोज की तो अच्छी लगी है कि पहले अम्मा फिर बीवी. बेचारा तो नहीं क्या है वो, ही इज नॉट अ बेचारा, ही तो इज ही या. नॉट बेचारा, या ही इज नॉट अ बेचारा. लेकिन ओके, सो आई एक्चुअली होप दैट्स नॉट व्हाट्स गोना हैपन. अभी उसकी ड्राइविंग फोर्स शहरोज की मोहब्बत है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले दिखा दिया था कि उसको शौक है लोगों को हेल्प करने का, शी इज कम्पैशनेट, शी हैज दैट थिंग. एंड जब उसको वो नहीं मिलेगी, बार बार जब उसको धुतकारा जाएगा, बार बार जब उसको, बिकॉज शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज नॉट सिली लाइक शहरोज, देन शी विल, वो उस तरफ से वो डिप्राइव तो रहेगी मोहब्बत के उस सेक्शन से इन हर लाइफ, लेकिन वो आगे यहाँ बढ़ सकती है ताकि वो उसको पूरा करे किसी तरह और वो हेल्प करे. सो आई आई थिंक दैट विल हैपन, एंड आई होप इट डज हैपन, क्योंकि मोहब्बत तो उसको नहीं मिलने वाली. लेट्स सी. बट मैं उसको शार्प बिल्कुल नहीं बोलूंगी, उसको समझ ही नहीं आती. मतलब वो बिल्कुल गुस्सा चढ़ता है कि सोचा नहीं तुमने कि किस तरह तुम्हारे तुम्हें मैंने तुम्हारे दादा को सारी बातें बता तुम्हारे नाना को सारी बात बता दी, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा. फिर नाना के पास जाती है. बट उसकी बट दो तीन पॉइंट दो पॉइंट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग थे मेरे हिसाब से इस ड्रामे. एक तो जो वो नाना से कहती है कि मैं क्या करती, दूसरे दिन मैं वापस आ जाती, आप तलाक दे लेती तो आप लोगों की क्या इज्जत रह जाती, आप लोगों की परवरिश पे नाम आता है. एंड दैट वाज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. एंड आई वाज लाइक यार ये कुछ भी कर लो ये प्रेशर कभी नहीं जाएगा. एंड एक औरत जिसकी शादी कामयाब नहीं हो उसको फेल्ड औरत ही समझा जाता है मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी में. एंड शायद हमारे अंदर भी एक चीज ये है कि इफ वी डोंट डू दिस वी आर फेल, यू नो. सेकेंड मुझे जो दानिया की बात लगी वो ये, जब शहरोज रो रहा होता है और वो जाती है उसके पास और वो उसे कहता है मैं टूटा हुआ हूँ तो मुझे संभाल लो. एंड देन वो उसको उसको यू नो शी कम्फर्ट्स हिम एंड एवरीथिंग. एंड म्यूजिक पीछे लग रहा है एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज सो बॉदर्ड शाजिया, बिकॉज आई थॉट ये तुम शायद थोड़ा सा तुम ये बात कहती रही हो कि वाई इज इट ऑलवेज अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मर्द को सही करे और मर्द के दुख को वो करे. मुझे आज ये जाके इतना हिट किया कि
कि हमने इसको ऐसा क्यों बनाया हुआ है कि एक औरत की केयर, एक औरत की डेडिकेशन, एक औरत का फर्ज, उसकी मोहब्बत और उसकी वैलिडेशन तभी होती है जब वो एज अ वाइफ या वो एज अ फीमेल पार्टनर वो एक टूटे हुए मर्द को जोड़ ले. क्यों भाई, हम क्यों, कोई क्यों किसी टूटे हुए मर्द को जोड़े? हम अपनी, हम हमारे ड्रामे ये क्यों प्रोपगेट करें? वी नीड टू स्टॉप डूइंग इट. आप महान नहीं बन जाते, आपको कुछ नहीं मिलता. प्लीज, अगर कोई इंसान टूटा हुआ है तो उसकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जोड़े. ये जो हम दिखाते हैं ना कि एक औरत जाके एक टूटे हुए मर्द को संभालती है, उसको सही कर देती है, और फिर एक कोई 26 सीरियल के ड्रामे में, 15 सीरियल के, 15 ड्रामों, 15 एपिसोड के, 26 एपिसोड के सीरियल में, 15 एपिसोड के बाद वो 2 एपिसोड में कोई हंसी का टाइम मिलता है, दैट्स नॉट वर्थ इट. दैट्स नॉट वर्थ इट. सो आई वॉज रियली बॉदर्ड बाई ऑल ऑफ दैट. एंड यू नो म्यूजिक ऐसे प्ले करता है कि आप भी सोचो थे हाय उसको उसने कर लिया, अब शायद दानिया को मोहब्बत मिल जाए. एंड इट्स, आई डोंट नो, इट प्लेड विद माय इमोशंस. सो मैं काफी, मुझे, आई विश दैट वी वुड स्टॉप डूइंग दैट. आई थिंक दैट इज कॉल्ड साइलेंट कंडीशनिंग. और अगर आपने हमारे पहले ड्रामा कब देखे हैं, बहुत सारे इसमें हम इसी टॉपिक पे बार बार बात कर चुके हैं, एंड यू आर कम्प्लीटली राइट. और वो कंडीशनिंग इज कमिंग इन टू आर रियल लाइफ, वे आदमी कुछ भी गलत करते हैं बट पीपल टेल अस ओ नो बट ही इज वंडरफुल, ही इज सो गुड. तो दैट इज द केस. और दूसरी बात जो तुमने कही दानिया की, वो भी सही थी, बिकॉज वो दुनिया में सबको बता भी नहीं सकती थी कि उसकी दूसरी बीवी है, लेकिन बिकॉज दैट वॉज गोइंग ऑल्सो बैक टू, अंडरकवर. टूटा हुआ मर्द, देखो अब मुझे कोई एग्जांपल एग्जैक्टली याद नहीं आ रही किसी एक ड्रामे में, जैसे चलो अब मुझे नहीं याद आ रही एग्जांपल जिसमें हम करें रेफरेंसों में, बट इधर तो शेरोज क्यों टूटा? शेरोज क्यों? क्योंकि शेरोज की अपनी गलतियां थी. एक जगह कहीं किसी मर्द का चाइल्डहुड ट्रॉमा है और आप उसमें ले जाके मोहब्बत लेकर आते हैं. आई विल स्टिल अंडरस्टैंड दैट यस मे बी मोहब्बत कैन हील हिम, केयर कैन हील हिम. हब्स हब्स में में, डू यू सॉरी, ऑल्सो हब्स सी में, दैट? हब्स में करते हैं. लेकिन इधर तो भाई वो, उसका कोई चाइल्डहुड ड्रामा नहीं है. वो तो एक झूठा मक्कार शख्स है जो मैनिपुलेट कर रहा है 2 औरतों को एक टाइम. बिल्कुल. तानिया को ऐसे ऐसे स्विच कर हाँ उसको अपनी बातों के जाल हाँ उतारता है. या तो हाउ, व्हाई, जब वो गिरा है, जब वो टूटा है, जब उसको शिकस्त हुई है, तो हमारे दिलों में क्यों सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया जा रहा है कि दानिया उसको जाके संभाले एंड वी शुड थिंक इट्स ओके. सो आई जस्ट यस गेट टोटली. बिकॉज एक्चुअली उसकी अम्मा भी उसको डांट, शहाना भी उसको डांट ही रही होती है कि तू इतना बेवकूफ है एंड क्या है, व्हाई इज ही डूइंग इट, बिकॉज ऑफ द मनी. बिकॉज वो तो कहता है मैं तो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर जाके एक जॉब करे, ग्रेजुएशन तो करी भी होगी ना, और रहे जाके उसके साथ, गिव अप द मनी, कैम के साथ जाके रहे अपने बच्चे के साथ. सो यस डेफिनेटली उसके साथ कोई सिंपथी मेरी नहीं है, शहरोज के साथ. ठीक है जी. या वी कैन डू फ्रॉड. फ्रॉड वी कैन डू फ्रॉड, यस मुझे सवाल. काफी डिसअपॉइंटिंग लगा. आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन इट. थोड़ा ड्रैग था. अगेन, अच्छा वाला स्क्रिप्ट चल रहा होता है, वो जो लेकर आए हैं रीजन टू ब्रिंग शजी बैक वाज वेरी लेम, डिड नॉट मेक सेंस टू मी. हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज योर ओन डॉटर्स हैप्पीनेस फॉर मनी? एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि वो औरत ये करती. और वो शख्स जिसने, वो शख्स जो इतना बड़ा धोखेबाज है, वो आपके साथ किस तरीके से सिंसियर होगा? आप क्या सोच रही हैं? तो मुझे ये नहीं समझ आई बिल्कुल भी ये चीज. सो आई थिंक कि वो जो अम्मी है ना, वो काफी खुदगर्ज हैं, शी इज आफ्टर द मनी. और अभी इन्होंने सेकंड मरहला सोचा ही नहीं है तूबा का, लेकिन क्योंकि तूबा का हमने देखा था रिएक्शन, और उसके इतने सारे अनसक्सेसफुल पहले हो चुके थे, आई थिंक तीन तीन थी इनफैक्ट रिश्ते, आई डोंट नो. एंड हाँ शी नोज दैट हर डॉटर इज इन लव, एंड शजी इज दी ओनली पर्सन शी कैन होल्ड ऑन टू, जो कह रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी एंड आई एम एक्चुअली सिंसियर. अच्छा, शजी शजी का शेड जरा ग्रे है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ओके मे बी ही रियली डज लाइक, बिकॉज उसने कहा था बार बार आई वॉन्ट टू सेटल डाउन. सो वट आई कैन नॉट फॉरगिव हिम फॉर इज वट ही डिड विद माया एंड ऑल दी अदर गर्ल्स दैट ही डिड. सो दैट इज, तूबा के साथ अगर ये खुश खुश रहे तो फिर भी सही है, बट यू आर राइट, द स्टोरी इज ड्रैगिंग. वो तुबा के साथ खुश रहे भी तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हाँ उसी तरह नहीं, धोखा जस्टिफाइड नहीं है, बट नुकसान तूबा तो हर सेल्फ नोज एवरीथिंग, तूबा को सब कुछ पता है. सो तूबा इज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज इवेंचुअली, अभी तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है. सो आई थिंक दैट इज बिटवीन देम, लेकिन आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, ही हैज टू बी पनिश्ड फॉर एवरीथिंग एल्स दैट ही हैज डन, व्हिच अम्मा तो खुद गर्ज है, वो तो नहीं देख रही है. आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ फिनिश फर्स्ट. या तुम बोलो. ओके, द क्वेश्चन वी वांट टू मूव ऑन इन दिस, हैव वी नाउ फॉरगिवन नाइल? या आई हैव फॉरगिवन नाइल. Yeah. So I wanted to give
शाउट आउट, आई एम गोना यूज माय फेवरेट वर्ड अगेन, क्योंकि यहाँ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी मायला और नाई के बीच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी. द वे ही टॉक टू हर, मे बी इट वॉज टू आइडियलिस्टिक, मे बी इट वॉजेंट, आई एम नॉट श्योर. वो अपना रिडेम्पशन ढूंढ रहे हैं वहां, और वो शी नीड्स अ वे आउट क्योंकि अम्मा अब्बा कह रहे हैं तुम्हें शादी करनी है, एंड शी नीड्स समवन इन हर लाइफ. तो और ये एक एक नॉवल कॉन्सेप्ट भी है जिसके बारे में इन्होंने बात करी है ओपनली, कि जरूरी नहीं है कि आप मोहब्बत की वजह से ही शादी करें. यू कैन बी टुगेदर दोस्त राहत के लिए, सपोर्ट के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, फॉर समवन यू नो. एंड नॉर्मली आई एम नॉट फॉर कजन मैरिजेस, बट यहाँ उसको वो जो फेमिलियरिटी कंफर्ट उसको मिलेगी, नाई के साथ जो सपोर्ट मिलेगी वो उसको कहीं और शायद ना मिले. एंड द फैक्ट दैट दे एक्सप्लेन्ड इट ऑल, नाई ने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि वो तुम्हारी किसी और से शादी कर देंगे जिसको शायद तो बिल्कुल नहीं. एंड एकदम से मायला की शक्ल पे वो एक्सप्रेशन चेंज हुआ बिकॉज शी रियलाइज ऐसा भी हो सकता है. तो दैट कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी कम्प्लीट एंड वेरी ब्यूटिफुली डन. ओके, दो तीन चीजें. आई रियली लाइक्ड जो नाइल और मायला का इंटरेक्शन था, इट वाज वेरी क्यूट. आई डिड नॉट लाइक दैट सेंटेंस, नाइल भाई हमारी भाई की हमारी शादी की बात, दैट वाज वेरी क्रिंज. उसको किसी और तरीके से हैंडल था, लेकिन या उसके बाद बिल्कुल नाइल ने जिस तरीके से मायला को हैंडल किया, प्यार से समझाया सॉफ्टली और उसको इतना कंफर्टेबल कर दिया, आई रियली अप्रिशिएटेड. बट अगर जंजीबील सुन रही है मेरी बात, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हर. आई थिंक गॉड इज सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट, इट्स सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. यू कम अप विद अ वेरी रिफ्रेशिंग आइडिया. इवन मायला और माया का की कहानियां भी बहुत अच्छी है. बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीज टू थिंग्स टू यू. आई थिंक इट इज हाई टाइम, बिकॉज आप भी एक खातून है, तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग दिस माइंडसेट कि अगर आपकी रिलेशनशिप टूटी है या शादी खत्म हुई है, तो वो सिर्फ एक शादी से ही हील हो सकती है. नहीं, बेशक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है टाइम देना चाहिए इसमें. मायला को डेफिनेटली नाइल से शादी कर ले, लेकिन अभी नहीं. नाइल को चाहिए था, वो माँ बाप से कहता नाइला को पढ़ाएं, नाइला को भेजें बाहर, नाइला जॉब करें, नाइला को रिकवर करने दें उस जख्म से, जिससे वो उस दर्द से जिससे वो गुजर रही है. मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने पेन में हो तो आप किसी मर्द के पास भी जा सकते हैं, आपको किसी मर्द में इतना इंटरेस्ट भी होगा, आप पिटी में सिंपथी में एक दूसरे से बात करेंगे. आई डू नॉट बिलीव दैट रिलेशनशिप कैन बी लॉन्ग लास्टिंग अनलेस नाइल हैड आल्सो गॉन थ्रू रिजेक्शन, विच ही हैड नॉट. वो ही इज ओके, ही इज डूइंग दिस आउट ऑफ गिल्ट. एक गिल्ट की चीज कितने देर लास्ट करती है. तो आई रियली रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लिखती हैं, मे बी दिस इज एन आइडिया दैट यू कैन स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग. बिल्कुल करे दूसरी शादी, बिल्कुल वो करे, पर थोड़ा सा टाइम दे. वी मस्ट एजुकेट आर सोसाइटी एंड गर्ल्स दैट एक चीज से आप निकले, फौरन दूसरी चीज में मत जाइए. और इसको मत सोचिए कि एक शादी के बाद दूसरी शादी आपको आपकी फेलियर को खत्म कर देगी. अगर आप समझती हैं कि पहली शादी फेलियर थी या आपकी दुख को खत्म कर देगी. दूसरी बात, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दिस सेंटेंस कि माँ बाप मर जाएंगे तो इस लड़की का क्या होगा. प्लीज, अल्लाह देने वाला है, हमें ये चीज भी चेंज करनी चाहिए. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज स्टार्ट चेंजिंग दिस थीम, दिस लाइन, कि एक लड़की की शादी सिर्फ इसलिए कर दें कि उसके माँ बाप मर जाएंगे तो उसका कौन सहारा बनेगा. भाई, उसको एजुकेट करें, उसको पढ़ाएं, वो खुद अपने पाँव पे खड़ी हो कि कल उसके माँ बाप मर गए, उसका शोहर मर गया, तब क्या करेंगे, तब जाके उसको कौन पालेगा, उसके बच्चे नहीं हुए, देन वॉट विल हैपन. वी कैन नॉट कीप सेइंग कि हर औरत को सर्वाइव करने के लिए सहारा चाहिए. नो, वी हैव टू मेक आर फीमेल्स इंडिपेंडेंट. एंड ड्रामाज डू एन इमेंस अमाउंट ऑफ थॉट चेंजिंग, you know, activity here. आप ख्यालात चेंज करते हैं, आप डायरेक्शन चेंज करती हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू सी दीज टू थीम्स इन योर स्क्रिप्ट एंड एवरी अदर पर्सन हु इज लिसनिंग हु इज राइटिंग. मत शादियां करवाएं अपनी हीरोइंस की जस्ट बिकॉज उनके माँ बाप मर जाएंगे तो उनका क्या होगा. उनको पढ़ाइए, उन्हें एजुकेट कराइए, बिजनेस कराइए, साथ में इक्वली दिखाइए कि वो किसी से मोहब्बत करके लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है. मेक इट मेक श्योर वी बैलेंस बोथ द थिंग्स. दैट्स व्हाट आई वांट टू. ओके, सो आई सो देयर आर टू पॉइंट्स हियर. नंबर वन, मायला के माँ बाप ऐसे दिखाए हैं अनफॉर्चुनेटली. सो यहाँ अगर हमें कैरेक्टर को चेंज करना है तो मायला के माँ बाप का माइंडसेट चेंज करना चाहिए था, उनकी एक जर्नी होनी चाहिए थी. क्योंकि जब माया भी काम कर रही थी उनके दिमाग पर सिर्फ ये था कि इसकी शादी हो जाए, तो माया हैड अ करियर, माया वॉज अचीविंग समथिंग, लेकिन नहीं, उनके दिमाग पे था शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए.
माइला के साथ आई थिंक कुछ टाइम गुजरा है, माइला इज अ डिफरेंट पर्सन और वो नहीं रिकवर कर सक रही है। वो शायद कभी भी जॉब ना करे, वो शायद कभी भी बाहर नहीं जाए, या तो हम कैरेक्टर को फर्क लिखें। यहाँ माइला नीडेड अ सपोर्ट ऑफ समवन, अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ स्क्रिप्ट एंड आई टोटली अग्री विथ यू दैट नहीं हर दफा दिखानी चाहिए कि हल इसका है कि शादी हो जाए, हल ये है कि शादी हो जाए। उन्होंने दिखाया इस तरफ है, लेकिन इन माइलास केस उन्होंने जरा कन्विंसिंगली दिखाया है हमें, क्योंकि उसके हमें इर्द गिर्द उसके नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे कोप करेगी। टाइम थोड़ा गुजर चुका है। बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है। आई एम टायर्ड ऑफ हाँ वाचिंग दीज जबरदस्ती की शादियां एंड मिसमैच थिंग्स एंड यू नो जस्ट बिकॉज आपके पास और कुछ नहीं तो किसी से भी शादी कर दो, कजन से शादी कर दो, ये कर दो। नहीं भाई, ये नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता। एंड नाइल के थ्रू आप जर्नी दिखाते, आप नाइल के थ्रू माँ बाप का जर्नी, जब नाइल माइला को कन्विंस कर सकता है, उनको कर सकता है, तो वो कहता है हम शादी करेंगे, करूंगा इससे शादी, इसको थोड़ा सा अपने पाँव पे सेट होने दे, लेट अस गेट टू नो ईच अदर, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट आगे एज आई सेड चलो, या दैट इज वन ऑप्शन टू, दैट वुड हैव बीन एन ऑप्शन, बट देन माइला शुड हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ दिस थिंग अ लिटिल बिट एटलीस्ट। जो वो नहीं निकल रही है बाहर, वो बहुत ज्यादा गम में है, सो शी इज नॉट एबल टू। ओके, नो Anything else on this? आई थिंक वी आर डन विद दिस। सो वी नाउ हैव, व्हाट डू वी हैव लेफ्ट? वी हैव पिंजरा एंड वी हैव बख्तावर, इज दैट करेक्ट? ओके, सो आई हैव अ सवाल फॉर यू अगेन। जी, कौन से सवाल है आपके पास? सवाल मेरा ये है, डू यू थिंक दैट मिस्टर जावेद इज लूजिंग इट नाउ स्लोली? अभी तक वो काफी कंट्रोल में थे, लेकिन अब उन्होंने थप्पड़ भी लगाए अबान को, वो जाके जो उन्होंने मुंह उसका पकड़ के ठूसा, फिर वो उनको भी सॉरी करने गए थे, बट वहां से भी उनको कुछ बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन मिला है। सो आई थिंक दिस इज नाउ गोइंग टू बी स्लोली वेरी बैड फॉर जावेद। अबान के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जावेद इज going to take the hit now. What do you think? हाँ, हो क्या है, हर चीज उसके कंट्रोल से निकल रही है और उसको समझ नहीं आ रही है, वो तो ऑलरेडी। एंड अगेन आई वुड लाइक टू अगेन, मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे हम शायद इस चीज से कभी निकल ही नहीं पाएंगे अपने स्क्रिप्ट राइटिंग में, हर चीज को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। देयर वाज नो नीड फॉर जावेद टू एक्ट लाइक दैट। जो कुछ हो रहा था हमें ऑलरेडी पता है कि जावेद का पेरेंटिंग स्टाइल सही नहीं है, वी डिड नॉट नीड ऑल ऑफ दैट। उसकी रियलिटी और रियलिस्टिकनेस, रियलिस्टिक जो उसका एंगल होता है ना, वो कम हो जाता है। थोड़ा सा इसको कम रखते और दिखाते कि वो गुस्सा है, बिल्कुल वो गुस्सा है, उसको धक्का दिया, उसको वो किया, वहां तक भी मैं समझ सकती हूँ कि अक्सर माँ बाप जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें कम्फर्ट करने के बजाय उन पे गुस्सा हो जाते हैं उससे क्या। बट वो खाने वाला सीन वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर मी। एंड दैट लॉकिंग द किड्स, मतलब क्या होगा, वो भागेंगे थोड़ी। इट वॉज सिली, आई एम सॉरी, इट वॉज अ रियली सिली मूव कि ये मैंने कमरा बंद कर दिया, ये कमरा तुम बंद कर दो। उसके थोड़ी देर बाद कमरा खुला हुआ था जिसमें कंटिन्यूटी का इशू था, जिसमें वो भाग के जाती है जब उसको आ जाती है और वो मारती है अबीर को। सो विश दैट दे वुड स्टॉप एग्जैजरेटिंग एंड टेकिंग टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिव कैरेक्टर्स टू दैट एक्सट्रीम। ओके, सो द कमरा लॉक वाज, आई एग्री, अ बिट सिली एज फार एज जावेद रिएक्शन वाज कंसर्न। इफ वी से कि हमें वो दिखाना नहीं था, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वो बहुत पेनफुल था टू वॉच, लेकिन आई वुड से दैट इट डिड रिफ्लेक्ट रियलिटी इन अ लॉट ऑफ होम्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स वेन पेरेंट्स लूज कंट्रोल एंड दे डोंट नो वॉट टू डू। शायद हमारे घरों में नहीं होता और राबिया, लेकिन बहुत सारे घरों में ये ही होता है, एंड वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं पेरेंट्स, लेकिन जब वो बच्चों के साथ अकेले होते हैं, वो अपना सारा, अपनी सारी नाकामियां बच्चों के ऊपर निकालते हैं, एंड जावेद इज फीलिंग दैट ही हैज एक्चुअली फॉल्टर्ड। उसमें एक कमी है जिसकी वजह से उसका ये वाला बच्चा ये सब कर रहा है, अबीर अलग कर रही है, एंड दैट एंगर केम आउट। सो इट वॉज देयर, हाँ जरूर वो किसी और तरह दिखा सकते थे, वो शैडो दिखा सकते थे किसी, बट दे चूज टू शो इट, विच मीन्स देयर शुड हैव बीन अ रेटिंग देयर फॉर द ड्रामा। वो जो सारी उसकी बातें थी, वो जब वो गुस्सा हो रहा था तभी कर देता कि तुम्हें रियलाइजेशन है कि तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ, तुम्हारे खाने पीने के लिए, तुम्हारी एजुकेशन के लिए किस तरह मैं मेहनत करता हूँ, तुम आगे से जाके ऐसे करते हो। सिंपल है लफ्ज में वो जब डांट रहा था, और बहुत से माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारे तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं तुम्हारे लिए, दो नवाले करने के लिए, 2-10 रुपए तुम्हारे लिए करने के लिए, बहुत से माँ बाप कहते हैं। बट देयर वाज नो नीड टू शो दैट दैट वे। I think Javed is entering a very dark place, and I think maybe they're showing it for that. But yes, we could. Okay, so moving on to Vajiha and Dua, and that scene जब दुआ कहती है कि अब्बा जब घर पे अकेली, जब मैं अकेली होती थी तो मैं दरवाजा लॉक कर देती थी, that really sent shivers down my spine. And उसमें आपको कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं थी. And राबिया
नॉट जस्ट कि हमने ये सुना है, बट व्हाट आई रियली लाइक वाज दैट वजीहा को दिखाया है दैट शी हैज वेरी गुड कम्युनिकेशन विथ हर चिल्ड्रन. लेकिन वहां भी जब कोई ऐसी बात होती है या एक पेरेंट से डरता है बच्चा, तो वो कभी कभी नहीं कम्युनिकेट करता, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो. एंड दैट्स व्हाट दे शोड हियर, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली डन, बिकॉज यू नो आई थिंक वी ऑल गॉट द पॉइंट ओवर देयर. True, वो true. नहीं, ड्रामा इज इंटरेस्टिंग. आई रियली लाइक द स्कूल का सीन भी, जहाँ उसने माँ बाप को डांटा और वो सब किया. पिंजा इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, पूरा पुलिस का सीन. एंड मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि पुलिस एक तो एक आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट, आई एम लाइकिंग कि हमारे बहुत से ड्रामों में इट्स नॉट ऑलवेज अ मेल एक्टर डूइंग द फीमेल डूइंग पुलिस ऑफिसर रोल. इस बार भी उन्होंने लड़की को दिखाया. एंड मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो जानान प्ले कर रही है, जो कैरेक्टर है पुलिस का, उसने इमीडिएटली FIR नहीं कटवाई. वो बार बार बोलती थी साइड पे, बच्चे हैं, आप समझें, आप समझें. बिकॉज सच अ गुड मैसेज टू सेंड अक्रॉस, एंड सच अ ब्रिलियंट वे जिस तरीके से उन्होंने मैसेज किया कि यस, आपके बच्चे को बहुत हर्ट हुई होगी, पर दूसरी तरफ भी बच्चे गलती हो जाती है, तो बिल्कुल. टेक टाइम, एनालाइज द सिचुएशन, देन पुश चार्जेस, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, यू नो. सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर सेंडिंग दिस मैसेज. I just want कि जो भी इन्होंने कहा है कि इंक्वायरी, दैट वॉज परफेक्टली राइट राबिया, टू अग्री विथ वॉट यू सेड. कि जब उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे तो वहां जरूर पूछें, बिकॉज अभी तक किसी ने आबान से नहीं पूछा कि क्या हुआ. सो वो आबान को वो कह रही है कि मैंने टीचर से सुना, मैंने इनसे सुना, शी न्यू एवरीथिंग दैट हैपेंड, बट शी डिडंट नो कि वो बच्चा भागता हुआ आया था और वो नीचे गिरा था. वो बात जरूर थी कि आबान ने उसको बचाया नहीं, अबान, बट उसने ना उसको धक्का दिया पीछे. लेकिन अबान, खैर शायद अबान जवाब नहीं देता, मे बी ही वाज फ्रोजन एट दैट टाइम, बट नोबडी बॉदर टू आस्क हिम आल्सो. एवरीवन जस्ट बिलीव्ड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग. और सो दूसरा मुझे ये भी लगा, जब वजिया बैठी होती है और ये लोग सब बैठे, वो बताता है कि जब मैं गया था तो पुलिस वहां से आ रही थी, तो दे शुड हैव इमीडिएटली थिंक कि हम लॉयर हायर करें. मे बी अगली किस्त में दिखाएंगे, बट आई वुड लाइक देम टू थिंक अबाउट दैट ऑन दोस लाइंस. या दे अभी नीड तो अ लॉयर. हाँ, दे नीड अ लॉयर. आई थिंक अभी दे आर जस्ट कोपिंग विद द फैक्ट, एंड दे वो होपिंग, इसीलिए वो पेरेंट्स के पास गया था कि बात वहीं खत्म हो जाए. अभी तो पता नहीं ना वो बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग बच्चा फैक्टर. जिंदा रहेगी तभी वो चार्जेस प्रेस करेंगे, उसके बाद तब भी करेंगे. जिस वो तो दे नीड एनी नहीं कि टू बी आई वुड थिंक इस तरह की, जहाँ पुलिस का जिक्र भी आ जाए, यू नीड अ लॉयर टू गेट योरसेल्फ टू गेट द राइट गाइडेंस कि हमें क्या क्या करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, तो स्ट्रांग करना लुकिंग चाहिए था. फॉर प्रोएक्टिव. पिंजा मैगी क्या होता है. हाँ तो जी, बख्तावर. वी हैव बख्तावर. सो बख्तावर के साथ मुझे काफी शिकायतें हैं. पहली शिकायत ये है दैट शी इज बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश. एक वो उस पे वो आहत को हाँ कहती हैं, फिर वो सोचती हैं इस आहत द राइट पर्सन. Then she has a really nice conversation with him in which I think कि okay, she is happy with, आंखों में भी आंसू आ गए थे, and Ahad ने बिल्कुल सही, Ahad had the right answer to everything she said. And then again, she is thinking in the end कि नहीं, maybe मुझे नहीं कर, तो what's going on with her? एंड में कहाँ कहती है, एंड में तो वो बिजी है विद एंड में वो फिर कहती है, जब वो सुनती है ना उसका जाविया के दिलावर को, जब वो सुनती है वो कहती है कि आपने क्यों, आप हूरिया अपनी शादी से खुश नहीं है, एंगेजमेंट से. फिर वो बाहर आके फिर सोचती है, क्या मैंने भी जल्दबाजी में, क्योंकि उसने कहा था जल्दबाजी में मैंने भी गलत डिसीजन ले लिया. सो इट्स वेरी अनफेयर, शी कांट प्ले विद अदर पीपल्स इमोशंस लाइक दैट, जब वो खुद इतनी हसास है. ट्रू ट्रू. बट शी इज लॉस्ट, वो तो उसको क्लियर नहीं है. बट यस, मैं खुश थी कि उसने एटलीस्ट कुछ तो डिसीजन लिया और वो शराब के पीछे भागना बंद किया और हमाद के लिए उसने हाँ कह दी. बट यू आर राइट, बट आई थिंक प्रोसेस दैट शी विल गो थ्रू, बिकॉज उसका दिल तो है नहीं ना, कॉम्प्रोमाइज किया है. जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इट डजेंट लास्ट दैट लॉन्ग हमेशा. नो, एंड आई रियली वांटेड टू अगेन अप्रिशिएट आहार, बिकॉज उनकी एक छोटी सी फोन कॉन्वर्सेशन आती है, कुछ भी होता है, बट यू नो द स्क्रीन लाइट्स अप, वी एंजॉय वॉचिंग दिस कैरेक्टर, एंड दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज हमने इतनी दफा कहा है कि वो कैरेक्टर सही नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस सही इन अदर ड्रामा इन सपोर्टिंग रोल्स, लेकिन यहाँ ही इज, आई मीन टू थिंक दैट आई वुड वॉन्ट बख्तावर टू मैरी हिम एज अपोज टू दिलावर इज अ बिग थिंग, एंड आई वुड एक्चुअली वॉन्ट हिम टू मैरी हिम. सो दैट्स रियली अमेजिंग. ओके, कमिंग टू उनकी जो ना दूसरी बीवी लेकर आ गए हैं, इट वॉज इंटरेस्टिंग, एंड वील कम टू दैट. मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जो बख्तावर ने पकड़ा कि 18 साल से कम की है,
I didn't catch it till she said it. So I wish they had taken an actor that fit that for me a little more. मुझे नहीं लग रहा था she's underage. तो मैं लग रहा था. हाँ मुझे लग रहा था, मुझे तो पता ओके ठीक था है. देखेगा मुझे मुझे या और मैं वेट कर रही थी, मुझे बहुत चिड़ हो रही है, चिड़ हो रही है कि बकायो को इतना टाइम क्यों लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए. आई वाज होपिंग कि, और अगर वो 18 साल की नहीं भी होती तो आई वुड हैव लाइक बकावर टू हेल्प हर, बिकॉज इट वाज वेरी क्लियर कि उस लड़की की शादी पहले से हुई और वो नहीं चाहती इसमें रहना, जब स्पेशली या हाथ पकड़ता है तो यू नो शी स्टेड. हाँ तो आई वुड हैव लाइक कि बख्तावर जो इतना बोलती है वो दिलावर से बोल के उसकी मदद करती है, वो कुछ ना कुछ करती यू नो. लेकिन हाँ अंडिया का एंगल वो इसलिए लेकर आए बिकॉज नाउ एक तो वो ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं ड्रामे में, अब वो लीगली उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि अगर वो लीगली अंडिया हेल्प के कर ऊपर होती सकती तो वो है. ज्यादा हेल्प नहीं कर हाँ सकती थी उसकी. नहीं, आई थिंक अगर इफ शी हैड कम आउट एज बख्तावर एंड स्पोकन टू हर एज अ गर्ल तो फिर शायद वो बात कर सकती. वो आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग, बट उनको यहाँ एंगल लेकर जाना था सो दैट वाज डिफरेंट. आई लाइक द वे दे कनेक्टेड इट टू हर ओन सिस्टर, जिस तरह उसकी बहन की शायद उसको याद आ रहा था. सो नाउ अब यहाँ जो हम फ्लैशबैक करें ना, दिस फ्लैशबैक वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एलिमेंट शोड कि बख्तावर के एग्जैक्टली इट वाज रेलेवेंट कि बख्तावर फील्स माय अ नर्व हैज बीन टच्ड इन बख्तावर राइट नाउ व्हेन शी सॉ दैट. वो ऐसी नहीं, वरना वो अपने काम से काम रखती, वो नहीं घुसती, लेकिन उसने ये देखा एंड शी वॉन्ट्स टू. अच्छा जी, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट हिज, अच्छा 1 मिनट, राबिया उनका नाम साकिब सुमेर है ना. हाँ ओके. आई समीर वॉन्टेड टू साकिब समीर, साकिब समीर. So I wanted to talk about Saqib Sameer क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ड्रामा हम देख रहे हैं एंड आई फील आई हैवन अप्रिशिएटेड इट इनफ. और यहाँ आकर भी ये बड़े ही हैज एक्चुअली मेड दैट कैरेक्टर अम्यूजिंग टू वॉच. हमें गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो जिस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इट अम्यूजिंग. एंड ऑफकोर्स वी वॉन्ट कि इसको सही तरह ही शुड बी फिक्स्ड ऑल्सो एंड उनको सजा भी मिलनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? यूर राइट. आई हैव मिक्स फीलिंग्स. एक दो जगह पे मुझे लगा उसको उन्होंने थोड़ा सा मजाक में डाला एंड आई डिडंट अप्रिशिएट, बिकॉज मुझे लगता है हाँ शादी का ट्रू. टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप परमिशन के बगैर कर रहे हैं और दूसरी औरत इतना फील कर रही है, तो वहां पे थोड़ा सा फनी बात करना या मजाक करना मुझे लगता है इनसेंसिटिव हो जाता है. एक दो जगह मुझे ये फील हुआ कि उन्होंने ये लाइन क्रॉस की है इन स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स, सो आई एम अ बिट डबल माइंडेड अबाउट इट. या आई थिंक बट इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर टू प्ले रादर देन हैविंग द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो सिर्फ जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी से डरता है. ही वो कुछ भी कर ले वो डरता है अपनी बीवी से, बट यू आर राइट. डर दिखाते हैं लेकिन उसको मजाक पे मत लेके जाते, डर दिखाने हाँ में कोई नहीं है बट मजाक यस पे नहीं या हो लेके. सकता है. या यू कुड बी राबिया, आई एग्री विथ यू, यू कुड बी राइट अबाउट दैट. ओके जी. अच्छा अब ये दिलावर क्या करना चाह रहे हैं? ये हुरिया से मिल भी रहे हैं, छुप भी रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चली गई ऑफिस से, मतलब ही हैज नो बैकबोन आइदर. वो वहां अपनी बीवी से डरते हैं तो वो हुरिया से डर रहे हैं. नहीं भाई वो बिल्कुल तो कंफ्यूज कैरेक्टर है, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बहुत डिसअपॉइंट करते हैं या पूरा. आई जस्ट फील बैड दैट उस कैरेक्टर को सही तरह लिखा नहीं गया स्क्रिप्ट में, उस कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल था बट वो कंप्लीटली लॉस्ट. इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी दिलावर्स कैरेक्टर. एंड वो जो कॉन्वर्सेशन कॉन्स्टेंटली सर्वेंट्स की एंड उनकी सपोर्ट स्टाफ की बात हो रही होती है बिटवीन, नोबडी टॉक्स लाइक दैट एंड नो वन कम्स टू दैट लेवल कि अब उन्होंने वो नूरे को वहां से वहां ले गई है ताकि वो नहीं अफेक्ट. आई मीन शी इज डूइंग इट टू गेट बैक एट बख्तू, या क्यों कर रही है समझ नहीं आ रहा. या तुम लिए उससे बात करो, तुम्हें चीजें बताएगी, तुम्हें मटेरियल देगी, तो कोई सोप में लेके गई है कि शायद उसको अंदर की चीजें पता चले अगर वो उस पर जुल्म करते हैं सब कुछ, जो कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उनके आई बाद नो बट में आएंगे. या सो आई मीन लेट्स शी इज अ लॉयर, शी इज अ पढ़ी लिखी एजुकेटेड वुमन एंड व्हाट इज शी डूइंग? सो दिस होल ट्रैक इज गोइंग अ बिट ऑफ फॉर मी, अगेन अ बख्तावर लॉट वो ऑफ थॉट्स आर गोइंग. होता वो बहुत ड्रैग्ड. आई रियली विश आगे कुछ हो जाता, हम आगे चल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता पूरे ड्रामे में. और इट्स सैड, ड्रामा दैट स्टार्टेड सो वेल इज नॉट इज नाउ फॉलिंग डाउन. टोटली, आई टोटली अग्री विथ यू राबिया. आई थिंक आई हैव अनदर पॉइंट लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा पॉइंट, सो आई एम गोना लेट इट गो. या आई एम डन फ्रॉम माय लाइफ ओके फॉर दिस. मुझे ड्रामे में ज्यादा कुछ नहीं लगा था. यस, न्यू ड्रामा इज कमिंग. दूसरा सनम जंग का भी आ रहा है ड्रामा. यस उसकी तो आगे ना या उसपे एक सवाल था, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, बट उनपे प्यारी कुछ, सॉरी मोना. प्यारी मोना, सवाल ये था कि व्हाई कुड दे नॉट हैव टेकन एन एक्टर हु वाज ऑलरेडी ओवरवेट देन सनम जंग हु वाज अपेरेंटली वेयरिंग अ फैट सूट इनसाइड इट. मैंने इतनी डिटेल नहीं देखी है बट आई डिड सी.
I think I'd like to watch the drama. And yes, they could have, though, they could have taken someone. I agree with you. लेकिन हमारे ड्रामों में कास्टिंग जो है वो बहुत उस हिसाब से होती है कि कौन से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि कौन से एक्टर से ड्रामे को हिट आएगा इन दिस स्टोरी. एंड आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बिकॉज कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए. यू शुड गो अहेड ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और वो करें ऐसे. व्हाट डू यू थिंक? इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू से दीज थिंग्स, लेकिन एज एन ऑडियंस आप अपने आप को रख के सोचें और आप बात करें कि अगर एक अननोन फेस या एक नोन फेस भी जो टॉप टीयर में नहीं आता उसको प्यारी मोना में मेन कैरेक्टर दिया जाता तो हम में से कितने लोग वो ड्रामा देखते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, बिकॉज आई डोंट थिंक उसकी व्यूअरशिप होती. बट येस, नाउ देर इज अ एक्टर जिसको हम सब पसंद करते हैं, जिसकी फेस वैल्यू है, वो ये कैरेक्टर करी है, तो अगर बहुत ज्यादा नहीं तो आई एम श्योर कुछ तो उसकी रेटिंग, कुछ तो उसकी व्यूज आएंगे. So I agree with you, and that was my question. कि production houses, it's like a chicken and egg situation. वो लोग भी नहीं करते इसीलिए कि audience accept नहीं करेगी. audience नहीं करते कि accept नहीं करते तो production houses नहीं करते इसीलिए. and when we blame production houses, we have to understand we are part of the problem. हाँ लेकिन अगर एक process शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद acceptability आ जाए. अब जैसे तलहा चौहान was big on stage but we had not seen him on screen. अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो ड्रामा उनका चला था वो चैनल पे ऐसे चला था कि उनका रीच ज्यादा नहीं आया. अदरवाइज दैट सेम ड्रामा जो बिछड़ गए अगर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होता तो शायद उसकी ज्यादा, नॉट दैट आई एम सेइंग कि कोई प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन उसकी रीच नहीं आ रही थी अनफॉर्चुनेटली. सो वहां से निकले. अब द प्रोजेक्ट डज टेक द हिट फॉर दैट, which is unfair. The other option is के what does happen in a lot of cases that the actor puts on a lot of weight. And then they lose the weight later. So that's, yeah, that's the other thing. अबाउट कला चौहान, ड्रामा जियो पे आ रहा था, विच इज अ बिग चैनल. आई डू नॉट थिंक इट प्रमोटेड वेल बिकॉज इट वाज अ थर्ड पार्टी. हमें कभी भी कम नहीं लाते हैं. इट वाज अ वेरी सैड सिचुएशन. और कला चौहान के वो बड़े पावरफुल नेम से विच वाज माया अली एंड वहाज. सो इवन अगर तलहा को आपने लिया था तो आपके पास दो इतने बड़े फेसेस थे जिनके लिए वो ड्रामा आता. प्यारी मोना में आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास एक लीड थी. उस एक मेन लीड के साथ आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं. क्या हम मैं प्रोडक्शन हाउस को बाद में बोली, मैं तो एज अ अपने आप को एज अ व्यूअर मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं करती. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड नॉट हैव वॉच्ड द Would ड्रामा. you have asked the actor to gain weight for the role? I would have asked the actor to gain which that would have been very interesting actually for me. Again, मुझे याद है कि सनम जंग जो कैरेक्टर कर रही है, जब उनकी when she became a mother, तो उसके बाद डिलीवरी के बाद उनका कुछ अरसे तक वेट रहा था एंड शी हैड टू फेस वेरी मीन कॉमेंट्स अबाउट हर वेट ऑन सोशल मीडिया. अब तुम ये सोचो कि अगर आपका सोशल मीडिया, आपकी ऑडियंस इतनी रूथलेस हो सकती है, इतनी इनसेंसिटिव हो सकती है, एक औरत जिसने भी जिसका भी बच्चा हुआ है या जितने भी टाइम हुआ है उसको आप विदाउट थिंकिंग कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप आगे कैसे फॉरगिविंग होंगे? एंड देन दैट मेक्स मी थिंक व्हाई वुड एन एक्टर गो टू दैट लेंथ, बिकॉज उसकी कोई रिस्पेक्ट तो नहीं होगी. उसको तो बहुत बुलिंग फेस करनी पड़ेगी, मीन कमेंट्स फेस करने पड़ेंगे, तो कोई क्यों अपना वेट कम करे या ज्यादा करे, कोई अपने आप को करे अच्छा मैं टैन होके आ जाता हूँ नेचुरली, स्टफ लाइक दैट. व्हाई वुड वी डू दैट? हम कितने बार हमारे पास लोग आ चुके हैं जो कहते हैं एक्ने पे लोग बोलते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, कैन यू बिलीव दैट? इज इट इन योर कंट्री दाने निकल आए, कहाँ निकला है, कैसे निकला है? हम इतने इनसेंसिटिव हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. So, Fawad Khan had gained a lot of weight from Mola Jat. In fact, it was at the cost of his personal health also, which was, but it was a project like Mola Jat. But मैं यही कह रही हूँ कि कहीं शुरुआत होनी चाहिए, but the actor has to be Fawad Khan comfortable. was not looking bad from anywhere by putting on that weight. That is the हाँ, end of the day. लेकिन मैं आज हाँ 10 किलो बढ़ा लेती हूँ, मैं आके बैठ जाऊंगी, मैं बुरी नहीं, मतलब बुरी नहीं इन द सेंस के आई विल स्टिल बी लुकिंग एज अट्रैक्टिव एज आई वाज बिफोर दैट, आई विल बी ओके, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. बजट में फवाद खान कहीं से ओवरवेट या ये नहीं लग रहा, उन्होंने अपना जो ओरिजिनल वेट था उससे थोड़ा सा ज्यादा किया, अपनी बॉडी को किया वो ब्रॉडनेस लाने के लिए, बट ही डिडंट पुट ऑन 30 kgs दैट उनका एकदम से ट्रांसफॉर्म. ऐसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है फवाद खान की, क्या बोले ओ
we couldn't recognize him. No. No, we will recognize him. So now we have to see when the drama comes ki wo jo fat suit pehnegi usme hame wo believable lagega ya hum kahenge ki because it is Sanam Jung, people will still watch, or do we think that it could have been another alternative solution, which would have been weight gain or another actress, which would have been more appropriate? Yeah. Okay, ji. A debate ongoing. Yeah. ख्याल रखिएगा और कमेंट्स करते रहें, हमें बताते रहें आप क्या सोच रहे हैं. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.